हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है ये दुनिया कैसे बनी, जिस दुनिया पर हम लोग रहते हैं? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसके लिए हमें बिलियन सालों पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पर कोई जीवन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चारों ओर अंधेरा था। उस समय सिर्फ एक ही भगवान था, जिसने पहले स्वर्ग को बनाया, उसके बाद पृथ्वी को। उसने आदेश दिया, उजाला हो जाए, और वैसे ही हुआ। दुनिया के चारों ओर उजाला हो गया। उसने देखा कि सब कुछ काफी अच्छा है, तो उसने उजाला को अंधेरा से अलग कर दिया। उसने उजाला का नाम दिन रखा और अंधेरा का नाम रात रखा। और संध्या होती है और सुबह होती है, वो दुनिया का पहला दिन था। फिर भगवान ने एक छत बनाने का आदेश दिया, ताकि वह पानी से अलग रह सके, और वैसे ही हुआ। उस छत का नाम उसने आसमान रखा, और फिर संध्या होती है और सुबह होती है, वो दुनिया का दूसरा दिन था। भगवान ने आदेश दिया कि आसमान के नीचे एक जगह पर पानी आकर जमा हो जाए, और वैसे ही हुआ। और उस जगह को उसने समुद्र रखा। और उसने जिस जगह पर पानी नहीं गिरे, सूखी जमीन का नाम पृथ्वी रखा। और उसने आदेश दिया कि यह पृथ्वी सभी प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल से भर जाए, और वैसे ही हुआ। पृथ्वी के चारों ओर सभी प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल भर गई। उसने देखा कि ये सब कुछ काफी अच्छा है। और फिर संध्या होती है और सुबह होती है, और वह दुनिया का तीसरा दिन था। उसने सूर्य और चांद बनाया, सूर्य को दिन के लिए और चांद को रात के लिए, और तारे भी बनाए ताकि वो रात में जगमगा सके, और उसने उनको आसमान में चिपका दिया। और संध्या होती है और सुबह होती है, वो दुनिया का चौथा दिन था। उसने आदेश दिया कि पानी में सभी प्रकार के जल जीव प्राणी से और सभी प्रकार के पक्षी पृथ्वी पर फैल जाए, और वैसा ही हुआ। और उसने सभी को फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। और संध्या होती है और सुबह होती है, वो दुनिया का पांचवा दिन था। फिर उसने आदेश दिया पृथ्वी पर सभी प्रकार के जंगली जानवर पालतू जानवर से भर जाए, और वैसा ही हुआ। उसने देखा कि यह सब कुछ अच्छा है। फिर उसने कहा, इस बार हम मनुष्य बनाएंगे जो कि बिल्कुल हमारी तरह हो, और उसे अधिकार हो पशु पक्षी
जंगली जानवर चाहे वो बड़ा हो या छोटा, तो उसने अपने जैसा ही मनुष्य बनाया, एक आदमी और औरत। आदमी का नाम उसने एडम रखा और औरत का नाम उसने ईव रखा। उसने आशीर्वाद दिया और कहा, पृथ्वी पर फैल जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ इस जंगली जानवर मछली पेड़ पौधे पर। और संध्या होती है और सुबह होती है, वो दुनिया का छठा दिन था। जैसा कि पूरी दुनिया बन चुकी थी, उसने काम करना बंद कर दिया और उसने सातवां दिन को आशीर्वाद दिया और उसे खास दिन बताया। तो इस तरह से पूरी दुनिया बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।